कैश की कमी को लेकर सियासत भी हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लोग 2000 के नोट गायब कर रहे हैं। दूसरी तरफ एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एटीएम में कैश की कमी के पीछे साजिश। सारा पैसा सत्ता में बैठे हुए लोग गायब कर रहे हैं, तो ये आरोप लगाना कि कांग्रेस गायब कर रही, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस यदि गायब कर रही होती तो इनके पास में जांच एजेंसियां बहुत बड़े पैमाने पर हैं, किसी भी जांच एजेंसी से जांच करवा के उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते। और साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का पैसा गायब कर रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर 2000 के नोट आसानी से उनको मिल जाते हैं और वो गायब कर देते हैं। कैश की कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है, के समय 15 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में थे और आज 16.5 लाख करोड़ के नोट छाप के बाजार में भेजे गए हैं, लेकिन 2000 के नोट कहां जा रहे हैं? कौन दबा के रख रहा है? कौन कैश की कमी पैदा कर रहा है? मेरे बहनों और भाइयों, ये भी षड्यंत्र है ताकि दिक्कतें पैदा हो, और दिक्कतें पैदा होने के बाद फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर दो, सरकार भी सख्ती से कर।